हेलो स्टूडेंट्स, आज बात करते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की एडोब इलस्ट्रेटर में। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था सिलेक्शन टूल, जो कि हमारे किस काम आता है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने में, उसको मूव करने में, उसको रिसाइज करने में, स्केल अप स्केल डाउन करने में और उसको रोटेट करने में, ठीक है। और जब हम सिलेक्शन टूल की मदद से किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो वो ओवरऑल सिलेक्ट होता है, इजंट इट। मैं आपको इलस्ट्रेटर की तरफ लेके चलूँ तो देखें, अगर हम शेप ड्रॉ करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर रेक्टेंगल ड्रॉ किया, तो अब मैं इसको सिलेक्शन टूल की मदद से सिलेक्ट कर रही हूँ और मैं उसको मूव कर रही हूँ और ये ओवरऑल सिलेक्ट हो रहा है एज अ होल। लेकिन अगर मैं इसकी किसी एक पॉइंट की तरफ से मूव करना चाहूँ तो वो मैं कैसे कर सकती, वो मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से कर सकती हूँ किसी भी एक एंकर पॉइंट से। मैं आपको बेसिक से समझाती चलूँ। दिस इज़ अ लाइन, इसको मैं स्ट्रोक दे दूँ ताकि आपको सही से नज़र आए, ठीक है। अगर मैं इसको जूम करूँ तो आप देख सकते हैं इस लाइन के ऊपर ये तीन रेक्टेंगल डॉट्स बने हुए हैं, बॉक्सेस बने हुए हैं, देख रहे हैं। ये बॉक्सेस क्या हैं? ये बॉक्सेस वही डॉट्स हैं जो मैंने आपको एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन में समझाए थे। डॉट्स को मिलाते ही लाइन बनती है, तो ये वही डॉट्स हैं। इन डॉट्स को इलस्ट्रेटर में हम एंकर पॉइंट्स बोलते हैं। इस एंकर पॉइंट को अगर मैं सिलेक्शन टूल की मदद से इस एलिमेंट को सिलेक्ट करती हूँ और मूव करती हूँ तो ये ओवरऑल सिलेक्ट होता है, ये सिलेक्ट एज अ होल हो रहा है, ये सारी पॉइंट सिलेक्ट हो रही हैं इसकी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि इसकी सिर्फ एक पॉइंट सिलेक्ट हो, तो वो मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से कर सकती हूँ। देखें, मैं सिर्फ इस पॉइंट को सिलेक्ट किया, इसकी एक पॉइंट उसी पॉइंट पर रही है, मैं सिर्फ इसकी दूसरी पॉइंट के साथ खेल रही हूँ। लेकिन सिलेक्शन टूल के साथ ऐसा नहीं था, इजंट इट। मैं यहाँ पर सिर्फ एक ही पॉइंट को सिलेक्ट कर सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अब बात करते हैं, इस टूल को सिलेक्ट करते हैं और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को देखते हैं। ये आप इसके भी एंकर पॉइंट्स देख रहे होंगे। मैं इसका ये वाला एंकर पॉइंट को चूज़ करती हूँ और इसको मूव करती हूँ। ये देखें, मैं इसके सारे पॉइंट सेम रहे उसी पोजीशन में, सिर्फ क्या मूव हुआ, इसका एक पॉइंट मूव हुआ, एक एंकर पॉइंट मूव हुआ जहाँ से मैंने सेलेक्ट किया था। तो आप इन एंकर पॉइंट्स को मूव करते हुए डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं, इजंट इट। दूसरे शेप को लेते हुए चलते हैं, ठीक है, इसको हम ये कर देते हैं। और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से हमने इसका ये वाला एंकर पॉइंट सेलेक्ट किया और ये हम इसको इसकी पोजीशंस को चेंज कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं हम किस तरह से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से हम कैसे एलिमेंट्स को, शेप्स को डिफरेंट शेप, डिफरेंट शक्ल दे सकते हैं। ये रही बात डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में अगर आप इसको राइट क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे दूसरा टूल भी है। ये टूल्स हैं यहाँ पे, जैसे आप देख रहे हैं ना छोटे छोटे ट्राइंगल्स, छोटे छोटे निशान, ये क्या शो कर रहे हैं कि इसमें और भी सब टाइप्स हैं। यहाँ सिलेक्शन टूल में देख ले, यहाँ पे कोई रेक्टेंगल नहीं है, छोटा सा मीन्स इसके अंदर और कोई शेप्स नहीं है। यहाँ पे है तो हम इसको राइट क्लिक करेंगे और इसमें दूसरा शेप। जो डायरेक्ट सिलेक्शन था, किसी भी एक पॉइंट को या एक से ज़्यादा पॉइंट्स को मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ। जैसे मैंने एक पॉइंट को सिलेक्ट किया, शिफ्ट को प्रेस करके और दूसरे एंकर पॉइंट को सिलेक्ट किया, तो आप देख सकते हैं जो बाकी वाले जो स्क्वायर हैं एंकर पॉइंट्स वो अनफिल्ड हैं और जिनको मैंने सेलेक्ट किया है वो फिल्ड है, शिफ्ट की मदद से मैंने किया है और शिफ्ट को प्रेस किया। अब मैं शिफ्ट को रिलीज़ कर रही हूँ और मैं इनको मूव कर रही हूँ। देखें, दो एंकर पॉइंट्स मूव कर रहे हैं, है ना। और ग्रुप सिलेक्शन की मदद से आप इस पूरे
जो है डिज़ाइन, इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं. ग्रुप सिलेक्शन और सिलेक्शन इज़ द सेम थिंग. ओके, ग्रुप सिलेक्शन सारे एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट कर रहा है, जबकि डायरेक्ट सिलेक्शन किसी भी एक या एक से ज़्यादा आप अपनी च्वाइस से सिलेक्ट कर सकते हैं. जैसे मैंने अभी इसको सिलेक्ट किया, ये इसको शिफ्ट को प्रेस करके इसको सिलेक्ट कर रही हूँ, इसको कर रही हूँ और इसको कर रही हूँ. ठीक है, अब देखें मूव हो रहा है ना, मतलब जिसको मैंने सिलेक्ट किया जो एंकर पॉइंट को, सिर्फ वही मूव हुए, जिनको नहीं किया वो अपनी पोजीशन पे ही है. इसी तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं. आप खुद से प्रैक्टिस करें, यू विल नो बेटर. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में.